तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आईटी गुरु में। मैं हूं शिवम और ये जो वीडियो होने वाला है इसमें दोस्तों आप लोग बताने वाला हूं कि अगर आप दोस्तों विंडोज 10 यूजर हैं और आपको दोस्तों स्विच करना है रिफ्रेश रेट के ऊपर, यानी अगर आपका मॉनिटर दोस्तों आपके हायर यानी 3-4 रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं तो आप उनमें कैसे मूव कर सकते हो, ठीक है। यानी एक रिफ्रेश रेट से आप दूसरे रिफ्रेश रेट की तरफ आप कैसे मूव कर सकते हो। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी कभी लाइक कर दिए, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों राइट क्लिक करना है, देन आफ्टर आपको आना है डिस्प्ले सेटिंग्स में। और डिस्प्ले सेटिंग में आप जैसे ही आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे आना है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स, एंड देन आफ्टर आपको मिलता है यहाँ पे रिफ्रेश रेट। आप कोई सा भी रिफ्रेश रेट, जैसे मेरे में 40 हर्ट्ज़ का है और 60 हर्ट्ज़ का है, सिर्फ दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे अगर 40 करना चाहूँ सिंपली 40 करूँगा। और ये देखिए कीप चेंजेस मांग रहा है, हम चाहें तो इसे कीप चेंजेस कर सकते हैं, और अदरवाइज मैं रिवर्ट करता हूँ। तो ये आप दोस्तों यहाँ से रिफ्रेश रेट चेंज कर सकते हो। आई होप दोस्तों की छोटी सी वीडियो थी आपको पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।